हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रेड जोन में अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक। यह विकसित प्रदेश अब तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहा है। यहां कोरोना संक्रमण की शुरुआत तो देरी से हुई, लेकिन अब यहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद कोविड 19 का संक्रमण थम नहीं रहा। और देखिए अब क्या हाल है गुजरात में। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4000 से ज्यादा हो गई है और इस कड़ी में गुजरात की राजधानी गांधीनगर का नाम जुड़ जाता है। गुजरात में 9 जिले रेड जोन में हैं, 19 जिले ऑरेंज में, जबकि 5 जिले ग्रीन जोन में हैं। तो गुजरात में कोरोना के हालात पर आपको दिखाते हैं संवाददाता गणेश ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। गांधीनगर गुजरात राज्य की राजधानी, 15 किलोमीटर वर्ग में फैला 5 लाख की आबादी वाला शहर अब गुजरात का नया हॉटस्पॉट बन गया है। जहां लॉकडाउन लागू होने से करीब 1 महीने तक किसी दिन एक तो किसी दिन एक भी नए मामले सामने नहीं आते थे, आज यहां अचानक पिछले 4 दिनों में 32 नए मामले सामने आए हैं। गांधीनगर में कुल 48 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जिनमें से 2 व्यक्ति की मौत हो गई है और 12 लोग घर पहुंच गए हैं। गांधीनगर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है अहमदाबाद और उसके बीच की कम दूरी। गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच करीब 34 किलोमीटर का फासला है। गांधीनगर जहां ज्यादातर सरकारी कर्मचारी रहते हैं, रोजाना अहमदाबाद काम के लिए जाते हैं। कोरोना लॉकडाउन के बाद गांधीनगर में रहने वाले पुलिसकर्मी, मेडिकल स्टाफ, सचिवालय में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में गांधीनगर से अहमदाबाद जाया करते थे। इनमें से कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव आए और उसके बाद गांधीनगर में संक्रमण फैलने लगा, ऐसा कहा जाने लगा। लिहाजा गांधीनगर से जोड़ने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। वहीं गांधीनगर में कोरोना फैलने की दूसरी वजह बताई जा रही है लॉकडाउन का उल्लंघन। इन तस्वीरों को आप देखिए, कैसे लॉकडाउन में भी लोग अपने घरों से बाहर किसी न किसी कारण से निकलकर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा रहे हैं। इन्हीं लोगों पर लगाम लगाने के लिए अब प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। गुजरात में कोरोना का कहर देरी से शुरू हुआ, लेकिन अब वो तेजी से फैल रहा है। गुजरात ने शुरुआत में कोरोना के ज्यादातर मामले 3 महानगर अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा से आए थे, लेकिन धीरे धीरे गुजरात की स्थिति गंभीर होती जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन जारी होने के बाद गुजरात के 7 जिले अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, कच्छ, गांधीनगर, भावनगर, इन जगहों से ही कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे। लेकिन अब कोरोना संक्रमण के मामले गुजरात के 30 जिलों से सामने आ रहे हैं, यानी लगभग गुजरात के सभी जिलों में अब कोरोना संक्रमण के मामले खड़े हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण से राज्य में कुल 30 जिले प्रभावित हैं, लेकिन इनमें से सबसे बुरी तरह से प्रभावित जिलों में अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा है। अहमदाबाद में 3026 केस, सूरत में 614 केस, वडोदरा में 279 केस और राजकोट में 58 केस सामने आए हैं। इसके अलावा आनंद में 74, भावनगर में 47, गांधीनगर में 48 केस सामने आए हैं। साथ ही भरूच में 31, बनासकांठा में 28, पंचमहल में 34, बोटाड में 20 लोग संक्रमित हुए हैं। गुजरात के अरावली में 19, पाटन में 17, छोटा उदयपुर में 13, नर्मदा में 12, महीसागर में 11, मेहसाणा में 11 और नवसारी, कच्छ और खेड़ा में 6-6 मामले सामने आए हैं। वहीं सूरत के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट लिंबायत और रांधेर में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसकी वजह बताई जा रही है तबलीगी जमात। और वडोदरा के मुस्लिम बहुल इलाके नागरवाड़ा में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गांधीनगर में जो बिना वजह अहमदाबाद से लोग आ रहे थे, वो रेड जोन और हॉटस्पॉट एरिया से जो लोग आ रहे थे उन पे कंट्रोल हो गया। और आज गांधीनगर में जो कोरोना का केस दिन ब दिन पॉजिटिव हो रहा है, वो लोग जो अहमदाबाद से हॉटस्पॉट एरिया से आ रहे हैं उन पे पूरे पूरा कंट्रोल हो गया है। वहीं हम गुजरात के रिकवरी रेट और मॉर्टेलिटी रेट की तुलना देश से करें तो देश का रिकवरी रेट करीब 25% है, वहीं गुजरात का केवल 14%। देश का डेथ रेट 3% है तो गुजरात का है सबसे ज्यादा 5%।
तो आखिर क्या वजह है कि गुजरात में कोरोना से मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है? गुजरात सरकार और जानकारों के मुताबिक गुजरात में ज्यादा मौतों के लिए वुहान जैसे वायरस पर शक जताया जा रहा है। कोरोना का एल स्ट्रेन टाइप बेहद घातक होता है। गुजरात के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने कोरोना की संरचना की डिकोडिंग की है, जिसमें 3 म्यूटेशन मिले हैं। गुजरात में फैला वायरस एल स्ट्रेन टाइप हो सकता है। चीन के वुहान शहर में भी एल स्ट्रेन टाइप वायरस की वजह से ही कई लोगों की मौत हुई थी, और यही वजह है कि गुजरात में भी ज्यादा मौतों के लिए इसी एल स्ट्रेन टाइप वायरस पर शक जताया जा रहा है। कोरोना वायरस पर हुए रिसर्च के बाद देश में कोरोना वायरस के 3 स्ट्रेन पता चले हैं। इनमें से 2 स्ट्रेन सबसे घातक पाए गए हैं, एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। वुहान में आया वायरस एल स्ट्रेन है और यही सबसे घातक है। इस एल स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले मरीज की मौत जल्दी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक एस स्ट्रेन का वायरस एल स्ट्रेन के म्यूटेशन से ही बना है, यह कम घातक है। केरल में अधिकांश मरीज दुबई से आए थे, वहाँ एस स्ट्रेन है, संभवतः इसीलिए केरल में कम जाने गई। गुजरात सरकार इसी एल स्ट्रेन पर रिसर्च करके इस महामारी की रोकथाम करने के उपाय में जुटी है। 2 प्रकार के इस वायरस के स्ट्रेन है, एक एस स्ट्रेन जो उतना घातक नहीं है, और दूसरा है एक एल स्ट्रेन जिसकी ज्यादा एक विरुलेंट, जिसकी असर ज्यादा होती है। तो इसकी भी एक अनुसंधान रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि शायद इस स्ट्रेन गुजरात में है, इस वजह से ये थोड़ा इस तरह से मृत्यु के अंक भी बढ़ रहे हैं। अलबत्त जो लोग गंभीर बीमारी वाले हैं और बड़ी उम्र के हैं, उस ग्रुप में सबसे ज्यादा मृत्यु के केसेस निकल रहे हैं। तो आखिर ये एल स्ट्रेन टाइप वायरस गुजरात पहुंचा कैसे? तो उसका जवाब गुजरात और विदेश का नजदीकी रिश्ता है। गुजरात में अमेरिका से आने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, जहां एल स्ट्रेन टाइप वायरस है। गुजरात का चीन, यूके, अमेरिका, यूरोप से करीब का नाता है। गुजरात के कारोबारी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर कारोबार करते हैं, और गुजरात के कई लोग विदेश में रहते हैं। ऐसे में गुजरात से विदेश यात्रा करने वाले कई लोग हैं, जो अक्सर विदेश आते जाते रहते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी और मार्च में विदेश यात्रा कर गुजरात लौटे करीब 400 ऐसे लोग थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और शक जताया जा रहा है कि इन्हीं विदेश यात्रा करने वाले गुजराती लोगों ने गुजरात में एल स्ट्रेन टाइप वायरस लाया। देश में चीन, अमेरिका और यूरोप के स्ट्रेन आए हैं। यूरोप में फैला वायरस अमेरिका से थोड़ा कम घातक बताया जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों ने साफ किया है कि कोरोना के एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में ज्यादा फर्क नहीं समझना चाहिए। बेशक एल स्ट्रेन ज्यादा घातक है, लेकिन एस स्ट्रेन भी जानलेवा ही है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी हो तो एस स्ट्रेन भी एल स्ट्रेन जैसा घातक साबित हो रहा है। गुजरात के कुल 34 हॉटस्पॉट्स में से अहमदाबाद, सूरत, भावनगर और वडोदरा में 21 जगहों को हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है। गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में हर दरवाजे तक जाकर लोगों की स्क्रीनिंग, निगरानी और टेस्टिंग होगी। देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में गुजरात में कई ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। गुजरात में प्रति 10 लाख लोगों में संक्रमण के 19 मामले सामने आए हैं, जबकि तेलंगाना में 30, महाराष्ट्र में 28, उत्तर प्रदेश में 20, तमिलनाडु में 19 मामले सामने आए हैं। गुजरात के सूरत शहर की कुल जनसंख्या 50 लाख के करीब है, जिनमें से 12 लाख दूसरे राज्यों से सूरत आए काम करने वाले मजदूर हैं। ज्यादातर मजदूर सूरत के पावलूम, टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो फिलहाल बंद पड़ी है। ऐसे में लॉकडाउन की वजह से इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को सूरत के छोटे छोटे घरों में रखना कोरोना संक्रमण बढ़ाने की बड़ी वजह बन सकता है। इसीलिए केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही गुजरात सरकार ने इन मजदूरों को उनके घर भेजने की तैयारी शुरू कर दी, और एक एक करके बसों के जरिए इनको उनके राज्यों तक पहुंचाया भी जा रहा है। वहीं गुजरात में कोरोना संक्रमण कम करने के लिए सूरत जैसे शहरों से मजदूरों को यूपी, ओडिशा भेजना शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी गुजरात से मजदूरों को भेजा जाएगा। गुजरात सरकार ने अब तक कुल 18 बसों में दूसरे राज्यों के मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाया है। इसमें ओडिशा और यूपी के राज्य हैं।
उड़ीसा के लिए 17 बस और यूपी के लिए एक बस गुजरात सरकार ने भेजी है। गुजरात सरकार के मुताबिक आने वाले दिनों में एमपी, राजस्थान और बिहार के मजदूरों को बसों के जरिए उनके राज्यों तक पहुंचाया जाएगा।